वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टू एंड मिस्टी। और अभी हम लोग हैं बिहार में ही, नहीं बिहार में नहीं है, यस बिहार में पनियावा पुल हिल रहे अभी हम लोग। दिखाऊं क्या आपको, पीछे से दिखाऊं, मस्त लग गया, दुबई दिखाता हूँ। गाइस मस्त लग रहा है ना, व्यू इंजॉय करो एक बार। ओ ये काम चल रहा है बाहर, पानी सूख गया है यार, लेकिन थोड़ा सा ना दिख रहा है आपको, देखो पानी सूखा हुआ है। पैसा नहीं दे देना पार्टी, पैसा लेके दे देना पार्टी का। कार्तिक कार्तिक ए दे, आंखें बंद कर रहा वो, पानी पानी। कार्तिक कौ बाबू बाबू, ओ ओ क्या हो गया उसको, तुमने दवाई लगाया फेस पे? हाँ लगाया फेस पे दवाई, अभी आ गया। चलो कोई नहीं, शाम को खाया था मैंने, अभी खा लेना। हाँ शाम को खाया था, अभी मतलब रात को भूख लगेगी तो खाऊंगा। क्या हो गया उसको, वो मिस कर रहा है क्या मेरे को? कार्तिक नहीं देख रहा मुझे, नहीं देख रहा वो, कैसे मुंह बना रहा है गंदा सा। बाबू अभी पता नहीं कौन सा स्टेशन है, कोई तो स्टेशन है बाहर आया अभी। मेरा साइड लोअर, पेपर कैसा गया तुम्हारा आज का? अच्छा गया पेपर मेरा, बढ़िया गया। हाँ, चलो अच्छा है, और तुम मेरे को मिस नहीं कर रही? कर रही हूँ। मैं तो पर्दा वर्दा लगा के बैठा हूँ मस्त। सेकंड एसी है? हाँ ये अकेले आ रहे हो बेटा, सस्ता अकेले में सस्ता ही पड़ता है। नहीं दो लोग महंगा पड़ता है पता है। सही कह रही हो, थर्ड एसी में सब खिड़कियों पे लगता है ना सिर्फ। हाँ चलो खाना क्या बन, खाया नहीं खाओ क्यों? ओहो खाना नहीं खाऊंगा। चलो तुम ना दवाई लगाती रहो, कंटिन्यू खाओ दवाई, ठीक है? काम तो हो रहा है, तुम देखो ना, तुमको ज्यादा पता चलेगा डिफरेंस। तुम्हें कैसा लग रहा है, चमड़ी छूट रहा है? तो वही मैं बोला था ना तुमको, वो काला पड़ा है ना जो, वो चमड़ी छूटेगा वो ऊपर का। अच्छा हाँ मैं तो कह रहा हूँ मत जाओ, सुना पता है यही दवाई खा के कंटिन्यू करके रखो इसको, और इसके बाद मत खाना दवाई, ठीक है? फिर डायरेक्ट कुछ दिन वेट कर लेना, यहाँ आके दिखा लेंगे सीधा, है ना? हाँ शादी में जाना है ना, पर लेकिन जितना खाओगे उतना कहीं और बढ़ ना जाए पहली बात तो, ठीक है? ये चीज़ है। चलो ठीक है फिर, वो हो रो रही हो क्या? रो नहीं था। तुम रो ही नहीं आज मैं जब आया तो। अरे मेरा एग्जाम था ना, तो फिर अब क्या रो तुम? ठीक है चलो बाय। The next day. गाइस गुड मॉर्निंग, और अभी हम आ गए हैं बिलखुआ स्टेशन पे, और सामने चंदेश्वर भैया का कुछ सामान था मेरे पास, तो उनको यहाँ पे देना है, क्योंकि कल उनके पापा जी आए थे और उन्होंने मेरे को एक सामान दिया, मैंने बोला कि आप भैया को दे देना। तो इसके बाद अपने स्टेशन है गाज़ियाबाद, और यहाँ पे भैया हैं, इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ आके, ताकि वो मुझे देख ले।
ज़्यादा देर का स्टॉप नहीं है क्योंकि यहाँ पे गाइस वो आ रहे भैया दौड़ते हुए, देखो वो आ रहे दौड़ते हुए। मैं बोला था ना पीछे आएगा ज्यादा, देखो मैं उसको बाइक लेके इधर बुलाता हूँ। बाइक लेके यहाँ बुलाओगे? चलो ठीक है, आपका सामान आपका अमानत आपके हवाले कर दिया मैंने। ठीक है भैया, ठीक है। गाइस अभी हम लोग उतर गए हैं गाजियाबाद पे हमेशा की तरह, और मेरा हमेशा यही डायलॉग रहता है कि मैं उतर गया गाजियाबाद, अभी चलते हैं बाहर से ऑटो करते हैं या ओला करते हैं, जल्दी पहुँचते घर पे क्योंकि भाई बहुत ठंड लग रही है, जाके कंबल में घुसूंगा। मैं घर पे पहुंच चुका हूं, और घर पे आते आते सबसे पहले मुझे दिखी नीसू। हाय बोलो, हाय बोलो एक बार, हाय बोलो। हेलो। बहुत दिनों बाद मिली है, और फिर से मेरे को जाना ही है वैसे तो फिर मिलेंगे सीधा 25 तारीख को, कि 25 तारीख को हम यहाँ पे सभी लोग पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा भाई रेस्ट करूँगा क्योंकि ट्रेन से आने के बाद थोड़ा सा सर घूमता है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद अपना काम वगैरह करेंगे। अभी तो मेरे को उससे बताऊँ तो मैं खाना बना नहीं बनाऊंगा अभी, तो खाना तो नहीं बनाऊंगा अभी क्योंकि यहाँ पे गाइस थोड़ा लेट ही बनता खाना वैसे तो, और गांव में थोड़ा दिन रह गए ना तो गांव में जल्दी खाने की आदत पड़ गई। देखो बाल की हालत क्या हुई है, टोपी लगा के शैम्पू करना पड़ेगा बालों में। तो गाइस मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो निशु अभी ठीक हो तुम? अभी कोई प्रॉब्लम तो ना भूल तेरा सही में? अभी ठीक है निशु, मैं तो सोचा था कि हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, तो अगर मान लो बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है फिर कौन देखेगा, है ना, क्योंकि पापा बाहर रहते हैं मंदिर पे, और बाबा की तबीयत भी ख़राब रहती है आजकल, तो बाबा भी ज़्यादा उतने एक्टिव नहीं है ना, लेकिन गर्मी आते तो एक्टिव हो जाएंगे, गर्मियों में एक्टिव रहते हैं, ठंडियों में ऐसे अंदर ही लेटे रहते हैं कंबल में ना। कैसा लगा इतने दिन, कैसा लगा? अकेला अच्छा नहीं लग रहा था? कार्तिक को मिस किया तुमने? मिस्टी का यार फिर से फेस पे पता है कुछ ना कुछ, हाँ देखनी है वीडियो कॉल पे क्या क्या हो जाता है यार, पता नहीं यार, वो भी गांव जाते हैं, अच्छा खासा स्किन गांव जाके पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, स्किन सूट नहीं करता या क्या है, पानी सूट नहीं करता क्या है पता नहीं, है ना, और ऊपर से हम बिस्लरी के पानी पी रहे थे पता, इतने दिन से मैं बिस्लरी के पानी ला रहा था इतने दूर जाके, फिर भी तो बिस्लरी का नहीं पिया, तो फिर मुंह तो थी कल के पानी से धो तो फिर धोने में धोने से भी होता है क्या? हाँ। हो सकता हो क्या पता है, लेकिन पानी जो अंदर जा रहा है वो तो अच्छा जा रहा है ना अंदर पानी। तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, और यहाँ से मेरे को फ़ोन करना है वहाँ गांव में बिस्लरी वाले पानी वाले अंकल को, क्योंकि उनकी मशीन ख़राब हो गई थी, तो अभी पूछता हूँ मशीन ठीक हुआ कि नहीं उनका, अगर उनका मशीन ठीक हो गया होगा तो फिर मैं मम्मी से बोल दूंगा किसी को बुला के पानी मंगवा लो, पानी भी ख़त्म ही हो गया होगा मेरे को लगता है जहाँ तक। यहाँ सुबह सुबह गाना चल रहा है, इतना बेकरार हूँ मैं, मुझे बेकरार कर लो। अरे भाई कम करो यार, कैसे कम करते इसको, कहाँ है मूड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी मेरे यहाँ पहुँचने तक, और अब हम स्टार्ट करेंगे अगला व्लॉग, जो कि मेरे को अभी रुद्राभिषेक में जाना है अमित भाई के, पर देखते हैं उन्होंने टाइम बताया है 11 बजे के आसपास, मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मेन ये देखना है। तो सबसे पहले तो मैं जा रहा हूं, थोड़ा दाढ़ी वगैरह सेट करवाना है मुझे क्योंकि, और बाल वगैरह थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अगर नहीं होगा तो मैं फिर अगले फंक्शन में ही अटेंड कर, थोड़ा मिलजुल लेंगे है ना। और मैं वैसे कल ही आ गया होता, मेरे को ट्रेन का टिकट ही नहीं मिला कल का, मतलब मीन्स कि मैं कल यहाँ पहुँच जाता तो आज के दिन मैं आराम से वहाँ जा सकता था। तो कोई नहीं गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टा पे एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।